हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काशिफ कामन ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, सब सेफ होंगे। तो आज एक्चुअली मैं आप लोगों को बैंगलोर का मेट्रो घुमाने आया हूँ। आप लोग अब सोच रहे होंगे बैंगलोर का मेट्रो का वीडियो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारा है। हाँ, ये सच है कि यूट्यूब पे बहुत सारा है, बट अभी अभी बैंगलोर मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ है, जो कि मेरा जो फ्लैट है या फिर जो भी बोलो आप, वहाँ से वो लास्ट मेट्रो था इधर का, उसके आगे एक्सटेंशन हुआ है बैंगलोर मेट्रो का। तो आज हम आप लोगों को एक्सप्लोर करते हैं कि वो इनसाइड व्यू कैसा है, क्योंकि केंगरी बस स्टॉप तक इसका एक्सपेंशन हुआ है। मैसूर रोड तक था और उसका एक्सपेंशन हुआ है केंगरी बस स्टैंड तक। तो इसका जो एक्सपेंशन हुआ है, तो केंगरी बस स्टैंड बहुत बड़ा बस स्टैंड था, तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, मैं भी अभी तक गया नहीं हूँ, कि ये केंगरी बस स्टैंड जो है वो केंगरी बस स्टैंड और केंगरी जो मेट्रो स्टेशन बना है तो वो अंदर से कैसा दिखता है, क्योंकि बस स्टैंड तो बहुत बड़ा है, अच्छा है, बट मेट्रो का देखते हैं क्या सीन है। चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। और वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। एक बुरी आंटी थी, तो अभी आपने वीडियो में देखा होगा, उनका बॉटल वहाँ हाथ से स्लिप हो गया, तो मैं वीडियो बंद करके जाके उठा के लेके आया। चलिए अभी उनको देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पिछले वीडियो में बताया है कि बैंगलोर मेट्रो का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो अभी आप लोग देखेंगे वहाँ पे दिख रहा है वो 10 मिनट की डिफरेंस, अभी 10 मिनट टाइम है ट्रेन को आने में, तो वेट करते हैं। कुछ इस तरह का है ये रेलवे ट्रैक मैसूर रोड मेट्रो स्टेशन का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं मैसूर रोड में यहाँ पे अपनी ट्रेन पे बैठा और मुझे जाना है एक्चुअली केंगरी। केंगरी को अंदर से एक्सप्लोर करना है कि नया नया मेट्रो स्टेशन बनाया है वो है कैसा। तो अभी फिलहाल तो इसके बीच का जो मेट्रो स्टेशन नया नया बना है वो मैसूर रोड के बाद नयादहल्ली, राजा राजेश्वरी नगर, जना भारती, पतनागिरी और केंगरी बस टर्मिनल और केंगरी। तो मेरा मेन अट्रैक्शन तो केंगरी जो मेन लास्ट स्टेशन है उसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा बड़ा जगह है। तो देखते हैं उसका मेट्रो स्टेशन अंदर से कैसा कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये जो एक्सटेंशन हुआ है बैंगलोर मेट्रो का, ये बहुत ही अवेटेड था, तो मुझे भी लाइक एक्साइटमेंट हो रही है, क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि अंदर से कैसा बना होगा कैसा नहीं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा बना है। बीच बीच में ट्रेन रुक रही है, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड जना भारती मेट्रो स्टेशन है, जो कुछ इस तरह का है। अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि केंगरी कैसा होगा। एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा जगह है। एक्चुअली व्यू कुछ अच्छा, ज़्यादा अच्छा आ रहा था, तो मैं सोचा कैप्चर कर लूँ। फिलहाल जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो है पतनागिरी मेट्रो स्टेशन। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे कि आप देखोगे मैसूर रोड के बाद राजीवांधी नगर है, अति गुपे है और शायद फिर विजयनगर है। एग्जैक्टली सिक्वेंस मेरे को याद नहीं है, बट उन लोग के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट इधर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर मेट्रो दिया गया है, ताकि मोस्ट प्रोबेबली यही थिंकिंग रही होगी कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। हेलो गाइस, तो हम लोग केंगरी मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं, और जहाँ तक सोचा था कि इतना बड़ा बस स्टैंड है तो मेट्रो स्टेशन भी कुछ बड़ा होगा, कुछ खास ऐसा है नहीं। आप लोग देखोगे तो ये इस तरह का ही कुछ है, ज़्यादा बेसिक एमिनिटीज़ भी अभी हमको दिख नहीं रही है। नीचे भी अभी कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोग देखो, तो इस तरह से मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये। और ये ट्रेन चली गई आगे और वहाँ से वो रिटर्न होके आएगी। तो अभी चलते हैं इसके नीचे का फंक्शन देखते हैं कैसा है, क्योंकि ऊपर तो कुछ खास है नहीं। आप लोग देख सकते हो पीछे का इस तरह का डोर से प्लेटफॉर्म नंबर सेकेंड है, अभी उधर से ही हम लोग रिटर्न होंगे, तो कुछ खास तो नहीं बनाया है, बट देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। नीचे जा करके बेसिक एमिनिटीज़ लाइक टॉयलेट एंड ऑल स्टफ, क्योंकि हर जगह तो अच्छे से दिया है इन लोगों ने, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल स्टफ। और ये तो स्टेयरकेस तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना बुरे लोगों को, जो ओल्ड एज है या फिर जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो उतरने में, और हम जैसे लाइक स्टूडेंट्स को, क्योंकि चलते चलते थक जाते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता है उतरने के लिए। हाँ, मैं तो एक्चुअली ये मेट्रो कार्ड यूज़ करता हूँ, तो इसमें एक बार अपने खुद से रिचार्ज कर लिया और फिर टिकट लेने का मतलब ये नहीं होता है कोई प्रॉब्लम, लाइन में नहीं लगना पड़ता है, तो ये सही होता है। फिर रिचार्ज कर लो और फिर घूमते रहो। नीचे उतरने के बाद ये कुछ इस तरह का व्यू है, ये टॉयलेट, हाँ नीचे तो अच्छा बना है और काफ़ी ब्राइट है ये, लाइक बाकी मेट्रो स्टेशन थोड़ा डल लगता है और ये ब्राइट है।
वो एक टिकट काउंटर है, ये वॉशरूम है मेन का, ये सॉरी ये हाँ उधर से एग्जिट है, ये भी यहाँ से ये एंट्री होता है, और उधर भी एक टिकट काउंटर है, वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने का ऑप्शन है, वहाँ से जा सकते हैं। सामने लिफ्ट है, अगर किसी को उसमें उससे स्टेयर केस से भी नहीं जाना है तो इससे जा सकते हैं। और फिलहाल यही है, और कुछ है नहीं। इधर लेडीज़ वॉशरूम है, ड्रिंकिंग वाटर है, तो जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो तो सही है, बट हाँ अभी तक मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। जैसे आप देखोगे सेंटर है मैजेस्टिक, तो बहुत बड़ा स्टेशन है, तो उसके कंपेरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, बट हाँ नया बना है तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। अभी लाइक ये ऑपरेशनल नहीं है, हाफ ऑफ लाइक 2 एंट्री एग्जिट होता है मेरे ख्याल से, तो इस तरह का जो इस साइड का जो एंट्री एग्जिट है वो अभी बंद करके रखा है। तो फिलहाल क्योंकि ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है ना, तो इस वजह से वो इसको इस पार्ट ऑफ द मेट्रो स्टेशन को लोग ऑपरेशनल नहीं रखे हैं। मैं टॉयलेट में आया था फ्रेशन अप होने के लिए, तो फिलहाल तो सब कुछ सही है, स्मेल भी अच्छा आ रहा है, अच्छा बनाया है, सब दिखाना तो नहीं चाहिए बट दिखा रहा हूँ। हाँ मैं यहीं से एक्चुअली अपने घर के लिए रिटर्न हो जाऊँगा, यहाँ से फिर उधर स्वाइप कार्ड स्वाइप करके फिर मैसूर रोड के लिए तो वापस चला जाऊँगा। तो दिखाते हैं आपको उस साइड का प्लेटफॉर्म और फिर वीडियो को एंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ खास तो नहीं है बेंगलोर का ये केंगरी बस टर्मिनल वाला मेट्रो स्टेशन, आप लोग देख सकते हो, मतलब बनाया गया है, धीरे धीरे अगर इसमें रश बढ़ेगा तो और बनाया जाएगा, कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है तो देख सकते हो। अभी सही है, पता नहीं ये क्यों आ रहा है, अभी भी आ रहा है ये, अब क्या हो गया इसमें, खैर बियर कीजिए इसको, अब देखना पड़ेगा क्या हो गया, इधर लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है टोटली। तो अभी तक फिलहाल वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।